नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के संविधान संशोधन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई करेगा। तब तक बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिकेट रिफॉर्म से संबंधित सभी मामलों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा किया, लेकिन बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह और सह सचिव जय जॉर्ज के पद पर बने रहने संबंधित याचिका पर सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी है। इनका कार्यकाल कुछ महीनों पहले ही खत्म हो चुका है। बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन की मांग की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति ने बनाया है। कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख जनवरी की तीसरे सप्ताह में तय की है। बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन की मांग की, जिस पर बुधवार को सुनवाई नहीं की गई। इसका ये भी मतलब है कि सौरव गांगुली, जय शाह और जय जॉर्ज अपने पद पर 2021 तक बने रहेंगे, और वो भी तब जब उनका कार्यकाल पिछले महीने ही खत्म हो चुका है। बीसीसीआई अब 24 दिसंबर को अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करेगी और गांगुली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, सौरव गांगुली की टीम ने भारत में पहले डे नाइट टेस्ट मैच का आयोजन कराया। इसके बाद कोरोना संकट में इंडियन प्रीमियर लीग का भी आयोजन कराया। भारतीय टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट मैच खेलने जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।